अगले दिन न्यू जैन से पूछ रहा होता है कि सोम जब तुमसे नाराज हो जाती है तो तुम उसे कैसे मनाते हो, क्योंकि मेरा कल खाओ के साथ झगड़ा हो गया है। फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है खाओ को बोलता है कि मुझे तुम्हारा मोह के साथ रहना जरा भी पसंद नहीं है। यह सुनकर खाओ नाराज हो जाती है। खाओ से कह रही होती है कि तुम्हें मोह पसंद नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि मेरी। गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में जैन उससे कह रहा होता है मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पर टाओ सोम को छोड़ने के लिए आ जाता है। सोम जैन को हाई करती है पर वो उसे मुंह मोड़ लेता है और वहाँ से चला जाता है। न्यू उन लोगों को देख रहा होता है और कहता है अब इन्हें क्या हो गया। तभी वहाँ पर सोम की मोम आ जाती है, वो न्यू को घर पे खाने के लिए बुलाती है। अब इनके डैड पूछ रहे होते हैं अब तुम दोनों को क्या हो गया। जैन कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। न्यू उन लोगों को सच बताने वाला होता है। तभी वो छुपाने के लिए जैन उसके पैर पर पैर रख देता है और सोम के साथ अपना खाना शेयर करने लगता है। सोम ने भी जैन की तरफ देखा और खाना खाने लगी। सोम के पेरेंट्स घूमने के लिए जा रहे होते हैं लेकिन वो लोग सोम को साथ नहीं लेके जा रहे होते। इस बात पर जैन सोम को तंग करने लगता है। वो उससे कहता है शायद उन लोगों ने तुम्हें अडॉप्ट किया होगा इसलिए वो तुम्हें कहीं साथ लेकर नहीं जा रहे। तब वो जैन के साथ लड़ाई करने लगती है। उसका मुंह पकड़ कर कह रही होती है अब बोलो मुझे किसने अडॉप्ट किया है। अगले दिन स्कूल में क्रिसमस की पार्टी मनाते हुए फंक्शन की वीडियो दिखाई जाती है। जैसे ही फंक्शन का सेट गिरने वाला होता है वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। सोम उन लोगों से कहने लगती है तुम लोग शांत हो जाओ। वो शांत नहीं हुए तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। टाओ तुरंत उसके पीछे आता है और बाहर आकर उसे कह रहा होता है कि अपनी आंखें बंद करो और 100 तक गिनती करो। वो 100 तक गिनती करती है और जब वो आंखें खोलती है वो पानी में एक खिलौने के साथ होता है। वो सोम को कहता है कि तुम मैं पानी में आ जाओ तुम्हें यहाँ पे शांति मिलेगी। वहाँ पर वो उससे पूछता है कि अब बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। वो उससे कहने लगती है मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। टाओ के कहने पर वो चिल्ला चिल्ला कर अपना गुस्सा निकाल देती है और दोनों साथ में हंसने लगे। तभी टाओ के डैड आकर उससे कहने लगते हैं लड़कियां केवल हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो टाओ से कहते हैं कि तुम स्कूल के बाद आकर मुझसे मिलना। सोम से कहता है कि इस बात की तो मुझे आदत हो गई है बस मुझे 100 पुशअप्स लगाने होंगे। बाद में खाओ और टाओ ने एक लड़के को पकड़ के रखा होता है। वो कह रहे होते हैं कि तुमने सोम से माफी मांगनी होगी भी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। चारा ना जाते हुए भी सोम से माफी मांगने लगता है। तब जाकर वो उसे छोड़ते हैं। खाओ उसे कहने लगती है अब सब कुछ ओवर हो गया है अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। वो पूछ रही होती है कि न्यू ईयर ब्रेक पर तुम कहाँ जाने वाले हो। सोम कहती है मेरे पेरेंट्स पहले ही जा चुके हैं। जैन कह रहा होता है मैं भी घर पे रहने वाला हूँ। खाओ कहने लगती है मैं भी घर पर ही हूँ। तो वो सब कहते हैं कि साथ में मिलकर सोम के घर पे पार्टी करते हैं। टाओ तुरंत कहता है मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सोम उन लोगों से कह रही होती है अरे नहीं जैन मेरा गार्जियन है और वो क्यूट सा फेस बनाने लगती है जैन को मनाने के लिए। जैन ने हाँ कर दी तब वो सारे लोग बड़े खुश हो गए। आगे न्यू खाओ का फोन ही उठा रहा होता। वो मार्केट में देखती है वो एक जगह पर गेम खेल रहा होता है। उसने जाकर न्यू को हिलाया वो तुरंत उससे हेलो करता है। खाओ वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है। उसने रोका तो वो पूछने लगी तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। वो कहता है कि वो तो साइलेंट पे था। वो कहती है कि पूरे समय साइलेंट पे था अब ये मत कहना कि तुम फैमिली के साथ अब्रोड जा रहे हो। वो कहता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो मैं मॉर्निंग में जाने वाला हूँ। वो कहती है तो टिकट दिखाओ। वो झूठ मूठ की टिकट दिखाकर उसके हाथ में रख देता है। खाओ उसे गुस्सा हो रही होती है तब वो उसे सॉरी बोलता है। खाओ बताती है कि मैं यहाँ पर पार्टी की शॉपिंग के लिए आई हूँ हमें सोचा तुम अब्रोड जा रही हो तो इसलिए तुम्हें इनवाइट नहीं किया लेकिन अगर अब तुम यहीं पे हो तुम मेरे साथ चलो पार्टी में वो लोग तुम्हें देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। घर पर सोम रोमांस कॉमिक बुक पढ़ रही होती है और अजीब सी हरकतें कर रही होती है। जैन वहाँ पे खड़ा होकर उसकी हरकतें देख रहा होता है। सोम उसे देखकर पूछने लगी कि तुम यहाँ पर कब आए। कहता है मुझे तो बहुत देर होगी। वो कहती है ठीक है तुमने जो भी कुछ देखा उसे भूल जाओ। वो कहता है कैसे भूल जाओ तुम जो हरकतें कर रही थी वो सब मैंने देखी। फिर वो बुक्स हटाने लगता है कहता है कि यहाँ पर पार्टी होने वाली है। सोम उसे हटाने से मना कर देती है। वो कहती है वो सब पार्टी करने के लिए आ रहे हैं उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। टाओ खाओ को कॉल करके पूछ रहा होता है कि सोम को क्या पसंद है। वो उसे बताती है कि उसे रोमांस नोबल बुक पढ़ना बहुत पसंद है। तब न्यू कहता है मुझे फोन दो मैं बताता हूँ उसे एक और चीज़ पसंद है। न्यू ने उसे एक चीज़ बताई वो सुनकर वो कॉल कट कर देता है। वे लोग सोम के घर पर पहुँचते हैं। खाओ सोम से कहने लगती है तुमने घर को साफ क्यों नहीं किया। वो उन लोगों से कहने लगी क्योंकि तुम लोग भी आकर यहाँ पर गंदगी फैलाने वाले थे। वो कहती है ये कैसा लॉजिक है ऐसी हालत में कोई तुम्हारा घर देखेगा तो वो तो भाग जाएगा। टाओ कहता है चिंता मत करो मैं नहीं भागूंगा। वो कहने लगी ये सब देखकर मुझे अजीब लग रहा है पहले सफाई करवाओ। सोम स्नैक खाने लगी तो उसके फ्रेंड सफाई करने में बिजी हो गए। वो सबसे पूछ रही होती है कि क्या मैं हेल्प करूँ। अब रात में टाओ ने जैसे ही सोम को गिफ्ट दिया खाओ कहती है हम सबका गिफ्ट कहाँ है। टाओ कहता है तुम लोगों को क्यों लूँ मेरे मम्मी पापा ने कहा है अगर किसी के घर पर जाओ तो खाली आदमी जाना चाहिए और मैं तो सोम के घर पे आया हूँ ना इसलिए गिफ्ट केवल सोम के लिए। जब सोम ने वो गिफ्ट खोल के देखा तो उसमें साबू पोड था जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लोग साथ में मील एंजॉय करते हैं।
विनोद सोम को विश मांगने के लिए कहते हैं। वो कहने लगती है, मैं क्या ही विश मांगू। हाओ कहने लगी, कोई बात नहीं। न्यू कह रहा होता है, अंदर चलते हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। टाओ तुरंत जाकर उसे हग करता है और उसे रिलैक्स फील करवाता है। वो सारे लोग एक दूसरे को पकड़ते हुए एंजॉय करने लगते हैं। जब सारे जने सो जाते हैं तो टाओ न्यू को अच्छे से कंबल उठाता है। सोम देखती है कि जैन बाहर जा रहा होता है, वो भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। वो उसे पूछने लगती है, यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है, बस मुझे नींद नहीं आ रही तो टहलने के लिए आ गया। वो कहती है, अच्छा किया, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। जो मुझसे प्ले में गलती हुई थी, क्या तुम उसकी वजह से मेरे से नाराज थे। जैन कहने लगता है, पूरी तरीके से नहीं। फिर वो उसे हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट देती है।